हरियाणा में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगने की तैयारी चल रही है। इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 25 सितंबर को होने वाली इस रैली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं। खबर है कि रैली में कांग्रेस को निमंत्रण नहीं दिया गया है। केसीआर के शामिल होने की बात की पुष्टि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नेता कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा के INLD के संस्थापक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल की पुण्यतिथि पर सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया जा रहा है। बिहार से कुमार के अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। INLD का कहना है कि रैली ऐतिहासिक होगी और लाखों लोगों के शामिल होने के साथ ये बदलाव की शुरुआत होगी। रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी शिरकत कर सकते हैं। इसके अलावा INLD ने तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी समेत कई नामों को आमंत्रित किया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल और अन्य लोग भी रैली का हिस्सा हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अभय चौटाला की तरफ से आमंत्रित किए गए दलों में कांग्रेस स्पष्ट रूप से गायब है। रिपोर्ट के अनुसार TRS, JDS और TMC उन दलों में शामिल है जो बगैर कांग्रेस के विपक्षी गुट जाती है, जबकि सीएम कुमार कांग्रेस को साथ लाने के पक्ष में है। तो वहीं दूसरी तरफ पटना में हाल ही में प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली, जिसके बाद सियासी गलियारे में कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। इस पर राजनीतिककारों का कहना है कि PK ने नीतीश के सामने सरेंडर कर दिया है, जनसुराज अभियान को बंद कर दिया और अब नीतीश के साथ आएंगे। तो कोई ये भी कह रहा था कि PK का नया दाव है। नीतीश के महागठबंधन में आते ही प्रशांत किशोर का मन बदल गया है, लेकिन 15 सितंबर को प्रशांत किशोर के एक ट्वीट ने सारे कयासों को बदल कर रख दिया है। बेगूसराय फायरिंग कांड के बाद प्रशांत किशोर ने उसी धरती पर जन्मे राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों का सहारा लेते हुए PK ने जवाब दिया। PK ने लिखा कि तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। PK के ट्वीट ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें बताया जा रहा था कि PK दोबारा नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। बता दें 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत करते नजर आ रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि देश में गैर भाजपाई सरकार बनने पर सभी पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। बिहार में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से लेकर अलग होकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ जाने का फैसला किया था। इसके बाद से ही वह लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।